माई पे लगही नहीं माई लवन। तैयार तो कहा गया माई पाँव लगी। माई जब हम चोर ना कही पाई तो कहते सिखाई देव है माई। हाँ माई, तो हमारे नौकरी करता है, छोट मोट गलती करा दे, हम तेरे गलती में ध्यान नहीं दे। अगर तो देर से आई यहाँ तो सबसे पहले भैया माई बहन से हमारे बारे में बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। हमारी माई के बारे में, हमारी माई के एक एक बारे में, हमारे माई के बारे में जू है यहाँ लिख यहाँ सब गोड़िया यहाँ ढीली के दरवाजे छोड़े पौआ भट्ट हरत यहाँ छोड़े का इनके बारे में कहूँ शेर बाघोली आए बारे बताई दिया। अरे हम गलत बोले का देख पर तुम बेटवा हमारे गाय का मतलब ईरान भैया बाबू हरण से हमारे पर्चे बताए दे रहे ए भाई, हमारे नाम बताए दे ए भाई। तो होकर जो बचा बचे जो हर आज हम 25 साल से कर चला आवे काम भाई। हर 25 साल ग्राम भाई ले वगैरह हर 25 साल से काम करे चला आवे नहीं पूरा गांव जाने था कि हमारे भंडारे बाप का कौड़े पता नहीं बा। तुम हमारे लिए माई अहू, तुम हमारे लिए बाप अहू, तुम हमारे लिए बहन अहू, तुम हमारे लिए भाई अहू, यहाँ तक की मेहर को तुम्हें अहू। गलती गलती जाजा बोलती बच्चों गलत समझ लिया काहे के मतलब जैसे एक मेहरारू रहते कि खाना लेके आवा था ऐसे हम सोच के आए थे बच्चों हमारे माई हमका खाना लेके आवा थी मेहरारू की सेवा हमारे माई करे था ए दिना माना थी कब हम नौकर नहीं मानी हमका बेटवा की नहीं मानी माई के हम अहू मानी थी मेहरारू की नहीं माई की नहीं माना थी माई सुन पहले हाँ माई भाई कहाँ बैठी माई बैठ अपन पर्ची हम खुदे बताओ चलती है हाँ भाई अब शोर जी मचाए सास जी रहे चुप भाई अब मैं बैठ गई हूँ अरे अब मैं बैठ गया हूँ तो कैसे कहा क्या कम आई हाँ भाई अब बोले जी सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ हारे हमारे तुम मई आवा तुम्हें तुम्हू को मारो चाहला कई हो जाएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ आज वाई शकी था अरे महारानी लगा दे हाथ दो पानी में एक बात बताओ माई पूरे लड़के तो का माई कहा था तो ठीक है मुझसे यह बात के लागत बगी दादो तो का माई कहा था तोरे चक्कर में अगर हम परम ना
हमार तो बेइज्जती कराई दीदी। माय ज्यादा समय अगर हो जाए अपन आधार कार्ड है खोज देख ले। बर्बाद कर दिया। मेरा नाम कमला रानी है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। इससे पहले इस घर में मेरी बड़ी बहन ब्याही थी जिसका नाम बिमला रानी था। कुछ दिन बीता, मेरी बड़ी बहन की कोख से एक लड़का जन्मा, उसका नाम विनोद प्रमोद कुमार है। लेकिन जब प्रमोद एक साल का हुआ तो अचानक मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई। मेरी बड़ी बहन खत्म हो गई, मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए। वो हमेशा परेशान रहने लगे कि प्रमोद का पालन पोषण कैसे होगा।